हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं सौरभ भैया का स्टडी ट्यूटोरियल लेते आ गया हूँ। ये रेफरेंस फोटो और जो मटेरियल दिख रहा है फ्रेंड्स, मैं इसी सब का यूज करते इससे सेट करूँगा और आपको दिखाऊंगा किस हद तक रियलिस्टिक लग रहा है। तो इससे पहले फ्रेंड्स बता दो, तो अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आर्ट रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल से, क्योंकि चारकोल पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क होता है और साइन भी नहीं करता है। तो मैं आप सबको बता कहूँगा से आप सब भी चारकोल से ही बनाएँ, या फिर नहीं है तो 8B या 10B पेंसिल से बना लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जो आई से साइड वाला एरिया है उसे सेट करने से लिए पहले आप HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर चला लें और ब्लेंड करने के बाद फ्रेंड्स आप 4B पेंसिल से सेट करें। और फ्रेंड्स मैं लेते गूगल चश्मे का जो फ्रेम है उसे मैं चारकोल पेंसिल से दिया हूँ, जो कि पूरा ही डार्क लग रहा है। इसीलिए मैं फ्रेंड्स कहता हूँ कि आप सब भी डार्क एरिया को चारकोल से ही करें तो बेहतर होगा। इससे होगा कि फ्रेंड्स आपका टाइम भी बचेगा और देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस से फ्रेंड्स मैं सगन आई को भी सेट कर लिया हूँ। आप सब भी मेरे साथ ही हो सके तो सेट करने का कोशिश करें। और दोनों ही आई मैं कंप्लीट कर लिया हूँ फ्रेंड्स। अब मैं नोज को सेट कर रहा हूँ, तो नोज उसमें भी मैं फ्रेंड्स फर्स्ट लेयर कर दिया हूँ और फिर धीरे धीरे रेफरेंस फोटो को देखते हुए डार्क एरिया को सेट करने के बाद मैं ब्लेंड कर दिया हूँ। और जो हाईलाइट वाला एरिया है फ्रेंड्स, मैं उसे वाइट जेल पेन से दिया हूँ, जो कि इरेजर से देना उतना सही नहीं होता है, उतना मतलब दिखाई नहीं देता है, तो वाइट जेल पेन का ही यूज ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं कर दिया हूँ। और आईब्रो में मैं डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से दिया हूँ, जैसा कि मैं कहता हूँ आप सबसे भी सीधार सरिया को चारकोल से ही करें। तो मैं पूरे फेस में अब शेडिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसे जब कंप्लीट आप देखिएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट लेयर ही से आऊँ। तो लिप्स में भी वही फ्रेंड्स, जिधर आप डार्क एरिया को देख रहे हो उधर मैं चारकोल से कर दिया हूँ, और फिर लेयर बाय लेयर में ग्रेफाइट पेंसिल से कर रहा हूँ, और हाईलाइट एरिया को छोड़कर डार्क एरिया को सेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैं कैसे कर रहा हूँ। हाईलाइट एरिया को डायरेक्ट छोड़ दिया हूँ और सिर्फ डार्क एरिया को ही सेट किया हूँ। लिप्स से जो नीचे वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, उसे आप ध्यान से दीजिएगा। तो फेस तो कंप्लीट हो ही चुका है फ्रेंड्स, मैं हेयर डायरेक्ट अब हेयर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट चारकोल से फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर में आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, पर चिंता न करें, जब आप इसे ब्लेंड करेंगे तो आपको डार्क दिखाई देगा। और फिर आप जब सेकेंड लेयर इस पर चढ़ाओगे तो और भी ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। तो हेयर बनाने के लिए फ्रेंड्स जो आप देखे थे स्ट्रोक किस डायरेक्शन में है, और आप भी उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाएं, जैसा कि मैं कर दिया हूँ। देखते मैं फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर दिया हूँ और फिर सेकेंड लेयर दे रहा हूँ, तो आप देखते फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर में क्या डिफरेंस है, आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस का अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो आप जितना लेयर करोगे फ्रेंड्स, आपका हेयर उतना ही डार्क होता जाएगा और बेहतर से बेहतर दिखाई देगा। तो मैं इतना ही रहने लेता हूँ। और फ्रेंड्स जो लाइट का जो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट सनलाइट में ही बना रहा हूँ, तो कुछ इस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
समझ सकते हो फ्रेंड्स आप, मेरे अभी सब डायरेक्ट सनलाइट में ही बनाता हूँ। तो देखते फ्रेंड्स आप, फेस तो कंप्लीट कर दिया हूँ और बियर्ड भी, जो छोटे छोटे बियर्ड है उसे भी दे दिया हूँ। तो अब डायरेक्ट मैं गले में सेटिंग कर रहा हूँ। तो देखते फ्रेंड्स, और आप भी बनाने का कोशिश कीजिए। सेटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, सिर्फ अब टी शर्ट में बचा हुआ है। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो फ्रेंड्स, जिधर डार्क एरिया है उसे डार्क सेटिंग कर लीजिए, और फिर जिधर लाइट एरिया है उधर HP से हल्के से सेट कर लीजिए। सेम टू सेम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप अगर बनाते हो तो मुझे इंस्टा पे टेस्ट करना ना भूलें, ज़रूर मुझे टेस्ट करें और मेरा फीडबैक लें, और अपना ब्यूटीफुल सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह है फाइनल स्टेज। सो हाँ फ्रेंड्स, स्टेज कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसा से आप देख रहे हो। इसे बनाने में मुझे 3.5 आवर का समय लगा है ओनली। इससे भी ज़्यादा आप हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हो। अगर आप 5 to 6 आवर इसमें टाइम स्पेंड करते हो तो इस मेरे से बहुत ज़्यादा आप रियलिस्टिक बना सकते हो। ये जो आप हाईलाइट देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं वाइट जेल पेन से दिया हूँ, जो कि देखने में पूरा ही रियलिस्टिक लग रहा है। और जो इसका हेयर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये इसे और ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती है। तो आप जब भी हेयर आई ये सब हाईलाइट का पूरा ध्यान रखें तो आपसे भी बहुत ही हद तक रियलिस्टिक बनेगा फ्रेंड्स। ये इसका रेफरेंस फोटो, और आप मेरा स्टेज देखिए, सेम टू सेम लग रहा है। 100% तो नहीं कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ है, प्रिंट आउट नहीं है, इसलिए फिर भी 80 to 90% तो रियल सेम लग ही रहा है। तो और भी मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, और भी इससे और बेहतर बनाएंगे आने वाले समय में। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।